Assalamualaikum. Good morning. Apple Group of School के सिलेबस 2020-21 के मुताबिक उर्दू पांचवी जमात की किताब में से आज हम अपने तीसरे दर्स का आगाज करेंगे। तीसरे दर्स के आगाज से पहले हम अपने दूसरे दर्स पर नज़र दौड़ाएंगे कि दूसरे दर्स में हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा। दूसरे दर्स में हमने सबक नंबर एक का किताब का काम हल किया था। हमने सफ़र नंबर तीन पर मिसरे मुकम्मल किए थे। सफ़ा नंबर चार अल्फाज की तलाश करके लिखे थे और सफ़ा नंबर पाँच पर मौजूद जमा बनाए थे और जुमलों को ज़माने के मुताबिक लिखा था। ये तो था हमारा दर्स नंबर दो। आज हम अपने दर्स नंबर तीन का आगाज करेंगे। दर्स नंबर तीन में हम सबक नंबर एक के सवालात के जवाबात लिखेंगे और उर्दू बे का काम, जुमला की तारीफ और उसके हिस्से लिखेंगे। तो आप अपने साथ अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल रखें और मेरे साथ अपने दर्स का आगाज करें। इन सवालात के जवाबात लिखें आपने आपकी किताब में मौजूद सवालात के जवाबात लिखने। इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? बेसवाल है, शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है? जीम सवाल है, इस हम्द के शायर का नाम लिखें। इन सवालात के जवाबात आपको कॉपी में लिखवाए जाएंगे। पहला सवाल है, हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? नज़म में अल्लाह ताला की मुंदरजा ज़ैल नेमतों का जिक्र हुआ है। ज़मीन, फूल, गुलिस्तान, सूरज, मकान, चिड़िया, पानी, मछली, बैल बूटे, इन नेमतों का जिक्र किया गया है। ये तमाम नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं। सवाल एक था, हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? सवाल नंबर दो, शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है? शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है? इसका जवाब है, चिड़िया अपने चहकने में अल्लाह ताला की अजमत बयान करती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं।
इसलिए शायर ने चहकने को तस्बीह करना कहा है। सवाल था, शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है? इसका जवाब आपको बता दिया गया है कि चिड़िया अपने चहकने में चूँकि अल्लाह ताला की अज़मत बयान करती है, वो अल्लाह ताला की तारीफ करती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है, इसलिए शायर ने चहकने को तस्बीह करना कहा है। तीसरा सवाल है, हम्द के शायर का नाम लिखें। इसका जवाब है, हम्द के शायर का नाम इस्माइल मीरठी है। आपकी किताब में आपको 3 सवाल दिए गए थे, आपने तीनों के जवाब अपने उर्दू अलिफ की कॉपी में लिखने हैं।